खानदेशन मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है और दर्शकों इस वक्त हम टेकेंद्र राबोड़ी शिवसेना का ठाणे में आए हुए हैं, जहां पर शिव जयंती का प्रोग्राम आयोजन किया गया है यहां की शाखा की तरफ से। और यहां पर जो यहां के जो पदाधिकारी है उनसे भी मिलेंगे और यहां के शिव जयंती के प्रोग्राम के बारे में उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे राबोड़ी शिवसेना शाखा के जो कोऑर्डिनेटर हैं रमेश कदम सर, तो हम इनसे भी इस शिव जयंती के मौके पर, इस उत्सव के मौके पर हम इनसे भी दो शब्दों में बात करेंगे। सर, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपका अभिनंदन करते हैं। फिर अपनी शिवसैनिकों को आप अपनी जबान में अपने तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे? हेलो, काय मीडिया की आम्ही इथे गेले कित्येक वर्ष शिवजयंती उत्सव साजरा करतो आहे। आता सध्या चालू परिस्थितीत, नवीन चाललेल्या परिस्थितीत, पण सर्व विभागातले 100% लोक उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर उभे आहेत आणि मी अशा बळवतो की या सगळ्यांनी शेवटपर्यंत उभं राहावं। बस।
ओके तो देखो हमें रमेश कदम सर ने जो कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ पर इस शाखा के अंदर और उसी के साथ में जो उप विभाग के जो शिवसेना शाखा से हैं और इस वक्त ये अध्यक्षता के अंदर है तो हम इनसे भी इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे दो शब्दों में इनके विचार को मालूम करेंगे हम। तो सर हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम और आप थोड़ा सा अपने शिवसैनिकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 1986 में उपशाखा प्रमुख था, 2002 में मैं शाखा प्रमुख था, अब 23 में मैं उप विभाग प्रमुख के पद पे गया। मेरे जगह पे हम आप नई जो यहाँ के लड़के जो है जो बबली परशुराम कदम शाखा प्रमुख, अमित सावन शाखा प्रमुख, इनके या हमारे नेतृत्व में अच्छे साथ दे रहे ये वक्त अच्छा। उन्होंने इंग्लिशन होने के साथ अच्छा काम किया और सब शाखा प्रमुख हमारे सब शिव सैनिक अच्छे खुश है। आज इतने सालों से 1986 से मैं भी कार्यरत हूँ इधर, तो मैं अभी 23 तक सब संभाला, अभी 4 महीने 5 महीने में ऐसे इनको पद मिला। इन्होंने भी बहुत अच्छा बेहतरीन किया है, यही मैं शिवा छत्रपति शिवाजी महाराज से उम्मीद रखता हूँ कि इन्होंने आगे चल के भी जिस तरह से मेरे जो सहकारी ने ये शाखे को बढ़ाया, ये शाखे का जल्लोस नाम है, ठाणे जिले में नाम है के राबड़ी शाखे में शिव जयंती सब धर्म के सब लोगों के साथ मिल के हम लोग करते हैं, मुसलमान हो कोई भी हो हम सब मिल के करते हैं। आज तक यहाँ पे 86 से लेके आज तक कोई हमारे इधर कोई प्रसाद नहीं हुआ, सब मिलजुल के सब धर्म के लोग करते हैं। इंशाअल्लाह मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आगे चल के यही माहौल रहना चाहिए। जय हिंद जय महाराज। तो देखो बड़ी खूबसूरती के साथ में राबड़ी शिव शाखा के अंदर आने के बाद हमने देखा यहाँ के, हमने पदाधिकारियों से भी बातचीत करी और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके से शिव जयंती मनाया जाए और अपने विभाग के अंदर कार्यरत जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। तो ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी खबर हमारी। जय हिंद जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद जय महाराष्ट्र।